प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। नमस्कार दोस्तों, आप सबका झारखंड सरकार के डिजी साथ प्रोग्राम में स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। तो हम एपिसोड की शुरुआत में नवी कक्षा में पढ़ने वाले हैं हिंदी का अध्याय उपभोक्तावाद की संस्कृति। हम इस अध्याय का दूसरा भाग देखेंगे आज। साथ ही 11वीं कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हम इस चैप्टर का पहला पार्ट देखेंगे आज और फिर उन पर आधारित कुछ रोचक प्रश्नों को भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना प्रोग्राम डिजी साथ। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी? आपको याद होगा कि हमने पिछली वीडियो में उपभोक्तावाद की संस्कृति नामक पाठ को पढ़ना शुरू किया है और मुझे आशा है कि आप घर से उस पाठ को पढ़कर आए होंगे। यदि अभी तक आपने उस पाठ को नहीं पढ़ा तो फिलहाल ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देखिए और घर जाकर इस पाठ को पढ़ना ना भूलिए। आइए जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हम पाठ से संबंधित किन बिंदुओं की चर्चा करेंगे, यानी आज की इस वीडियो के विषय बिंदु क्या होंगे। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले उपभोक्तावाद की संस्कृति का प्रसंग जानेंगे, यानी जो पाठ आज हम पढ़ने वाले हैं, जो टेक्स्ट आज हम पढ़ने वाले हैं, उसका प्रसंग जानेंगे और प्रसंग जानते हुए उसी पाठ्य वस्तु की व्याख्या करेंगे और जानेंगे उपभोक्तावाद की संस्कृति का अर्थ। तैयार हैं आप सभी? आइए शुरू करते हैं। अब तक हमने जाना कि उपभोक्तावाद की संस्कृति किस विषय पर आधारित है, बाजारवाद से। और आज के इस वीडियो में हम आज के समय में क्या कुछ परिवर्तन उत्पन्न हो गया है वह जानेंगे। विद्यार्थियों, आप सभी ने अपने दादाजी या पिताजी से उनके जमाने में प्रयोग होने वाले उत्पादों का वर्णन सुना होगा। क्या वे टूथपेस्ट इस्तेमाल किया करते थे जैसा आप करते हैं, या नहाने के लिए साबुन का प्रयोग करते थे? इन सभी प्रश्नों को आप सभी अपने पिताजी और दादाजी से पूछिए और जानने का प्रयास कीजिए कि उनकी जीवन शैली और आपकी जीवन शैली में क्या अंतर था। लेखक उसी अंतर को आज स्पष्ट करेगा और उपभोक्तावाद के अर्थ को बताएगा, समझाएगा, साथ ही उदाहरणों से स्पष्ट करेगा कि क्या वह सही कह रहा है। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आइए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। जीवन शैली यानी जीने का तरीका, वर्चस्व यानी दबदबा, उपभोक्तावाद वह स्थिति है जहां पर उपभोग को ही मात्र एक लक्ष्य माना जाता है, उत्पादन वह वस्तु होती है जो प्रयोग करने के लिए बिल्कुल तैयार होती है, माहौल यानी वातावरण। आइए जानते हैं इस अनुच्छेद का अर्थ। लेखक बताता है कि धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है, उसके साथ आ रहा है नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। लेखक यहां पर बता रहा है कि हम सभी उपभोक्तावादी हो रहे हैं, हम सब अपनी जीवन शैली को परिवर्तित पा रहे हैं। क्यों परिवर्तित कर रहे हैं और ये परिवर्तन कैसा है? लेखक बताता है कि उत्पाद और हमारा क्या संबंध है। वो बताता है उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों तरफ, यानी हर कोई आजकल प्रोड्यूसर बन गया है, उत्पादक बन गया है और चीजों को अधिक से अधिक उत्पन्न करने में लगा है, उसका उत्पादन करने में लगा है। ये उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। अब लेखक बता रहा है कि जो सुख है उसकी व्याख्या बदल गई है।
इस बदलते माहौल में सुख की व्याख्या कैसे बदल गई है। लेखक बताता है, उपभोग भोग ही सुख है, एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। अब लेखक बताता है कि ये जो नई स्थिति है इसमें क्या बदलाव आया है। वो बताता है कि उत्पादक उत्पाद तो आपके लिए है, पर आप ये भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। अब लेखक को इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि उत्पादन बढ़ रहा है, उपभोग बढ़ रहा है। दरअसल लेखक को इस बात से समस्या है कि हम सब का चरित्र बदल रहा है और उस बदलते चरित्र से क्या कुछ समस्या आएगी, लेखक आगे बताएगा। आगे का पाठ पढ़ने से पहले आइए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। विलासिता का अर्थ होता है आराम की वस्तुएं। लुभाना यानी प्रिय लगना, निरंतर यानी लगातार, और मैजिक यानी जादुई। आइए जानते हैं इस अनुच्छेद का अर्थ। लेखक कहता है, विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है। अब लेखक बता रहा है कि विलासिता और आकर्षण हमें किस प्रकार प्रभावित कर रहा है। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए, टूथपेस्ट चाहिए, यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। अब यहां पर लेखक एक टूथपेस्ट का उदाहरण देता है, बताता है कि टूथपेस्ट जैसी एक सामान्य सी वस्तु को ही ले लीजिए जिसे हम अपने जीवन में पूरी तरह अपना चुके हैं। हम टूथपेस्ट लेने बाजार में जाएं तो बहुत सारी एक रेंज उपलब्ध होगी, अलग अलग तरह के टूथपेस्ट होंगे, कोई मसूड़ों को मजबूत कर रहा है, कोई दांतों को मोती जैसा चमकीला बना रहा है, कोई दुर्गंध हटा रहा है और कोई तो पूर्ण सुरक्षा दे रहा है। अब लेखक बता रहा है यह सब करके जो तीन चार पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फॉर्मूला है, कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पतियों और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है, जो चाहे चुन लीजिए। अब यहाँ पर लेखक बता रहा है कि ये जो उत्पाद हैं वो अपने आप की बड़ी तारीफ कर रहे हैं और बता रहे हैं कि नीम और बबूल के गुण हैं इसमें, ऋषि मुनियों ने इसे स्वीकृत किया है और इसमें वनस्पति और खनिज तत्वों का मिश्रण है और बहुत सारा रेंज है आपके पास, आप कुछ भी चुन सकते हैं। किंतु इसमें क्या रहस्य छुपा है वो लेखक अंतिम पाठ में बताएगा। अभी फिलहाल हम यह जान लेते हैं कि एक टूथपेस्ट खरीदने के लिए हमारे पास बहुत से विकल्प उपलब्ध हैं। माउथ वॉश का अर्थ होता है मुंह साफ करने का तरल पदार्थ। बहु विज्ञापित यानी जिसका बहुत विज्ञापन आए, टीवी पर कई कई बार विज्ञापन आता है कई वस्तुओं का। और चमत्कृत यानी हैरान, और सिने स्टार यानी अभिनेता और अभिनेत्री यानी एक्टर एंड एक्ट्रेस। अब लेखक बताता है कि अगर आपने टूथपेस्ट अच्छा खरीदा है तो आपको ब्रश भी अच्छा खरीदना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता में अलग अलग, एक से बढ़कर एक। अब यहाँ पर देखिए हमारी आवश्यकताओं का जो विस्तार हुआ है, अब ये विस्तार जो है वो लेखक की नजर में बिल्कुल भी अर्थ नहीं रखता, अंत में लेखक बताएगा जब हम पढ़ेंगे। तो लेखक कहता है कि मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीजों का ही बिल काफी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड ही खरीदना पसंद करेंगे। अब यहाँ पर विज्ञापन और ब्रांड का संबंध जो है वो लेखक हमारी जीवन शैली से जुड़ रहा है। वो बता रहा है कि सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है, हर माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। साबुन को ही देखिए, हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज, एक दिन भर आपके शरीर को तरोताजा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जर्म से आपकी सुरक्षा करता है। अब यहाँ पर सौंदर्य प्रसाधन ने किस प्रकार हमारे जीवन शैली को परिवर्तित किया है लेखक वह बता रहा है। यह लीजिए स्ने स्टार के सौंदर्य का रहस्य, उनका मनपसंद साबुन। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, यह लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, यह लीजिए शुद्ध गंगा जल में बनी साबुन। चमड़ी को नरम रखने के लिए, यह लीजिए, महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। अब यहाँ पर देखिए ये जो वस्तुएं लेखक बता रहा है कि ये जो इन ब्रांडों में जिन वस्तुओं का प्रयोग हो रहा है ये बहुत ही आम सी वस्तुएं हैं,
पर इनका प्रचार जो है बहुविज्ञापित है, इसीलिए लोग इसे खरीदते हैं और ये महंगा है। संभ्रांत का अर्थ होता है धनी, परफ्यूम यानी सुगंधित पदार्थ, प्रतिष्ठा चिन्ह यानी सम्मान सूचक, और हैसियत यानी सामर्थ्य। लेखक बताता है कि संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30,000-30,000 के सौंदर्य सामग्री होना मामूली सी बात है। यहाँ पर सौंदर्य प्रसाधन की जो आवश्यकता ना होकर भी जो उपभोग है उसको लेखक ने प्रकट किया है। बता रहा है कि पेरिस से परफ्यूम मंगाइए जो कि मात्र प्रतिष्ठा का प्रतीक है, और जितने का वो परफ्यूम है उतना ही उसे लाने में खर्च हो जाएगा, पर ये प्रतिष्ठा का चिन्ह है और समाज में हैसियत भी जताता है। और पुरुष भी इस दौड़ से पीछे नहीं है, पहले उनका काम साबुन तेल से चल जाता था, आफ्टर शेव क्लोन बाद में आए, अब तो इन सूची में दर्जनों चीजें और जुड़ गई हैं। तरह तरह के प्रोडक्ट आप भी देखते होंगे विद्यार्थियों कि अब तो पुरुषों के लिए भी सौंदर्य प्रसाधन उपलब्ध हैं बाजार में और महंगे महंगे हैं। तो विद्यार्थियों, क्या आपको नहीं लगता इन पर विचार करने की आवश्यकता है? है तो क्यों, घर जाइए, इस पाठ को पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। आइए जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा। आज की इस वीडियो में हमने जाना कि उपभोक्तावाद क्या है और इससे वर्तमान जीवन शैली में क्या परिवर्तन हुए हैं, यह हमने जाना। मुझे आशा है कि आप घर से इस पाठ को पढ़कर आएंगे। पाठ वहीं से पढ़ना है, आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग ए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, फिर मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम जीव विज्ञान का एक नया पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। अब हम इस पाठ का पहला भाग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्राणी उत्तक, जिसमें हम पढ़ेंगे उपकला उत्तक के बारे में। प्राणी उत्तक एक कोशिकीय प्राणियों में जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन तथा जनन एक ही कोशिका द्वारा संपन्न होती है। बहुकोशिकीय प्राणियों के जटिल शरीर में उपर्युक्त आधारभूत क्रियाएं भिन्न भिन्न कोशिका समूहों द्वारा व्यवस्थित रूप से संपन्न हो जाती है। सरल प्राणी हाइड्रा का शरीर विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का बना हुआ है, जिनमें प्रत्येक कोशिका की संख्या हजारों में होती है। मानव का शरीर अरबों कोशिकाओं का बना होता है जो विविध कार्य संपन्न करता है। बहुकोशिकीय प्राणियों में समान कोशिकाओं का समूह अंतर कोशिकीय पदार्थों सहित एक विशेष कार्य करता है। कोशिकाओं का ऐसा संगठन उत्तक यानी टिश्यू कहलाता है। आपको आश्चर्य हो सकता है कि सभी जटिल प्राणियों का शरीर केवल चार प्रकार के आधारभूत उत्तकों का बना हुआ है। ये सब उत्तक एक विशेष अनुपात एवं प्रतिरूप से संगठित होकर अंगों का निर्माण करते हैं, और ये उत्तक आमाशय में, फुफ्फुस यानी लंग्स में, हृदय में और वृक्क यानी किडनी में प्रस्तुत होते हैं और इनका निर्माण करते हैं। जब दो या दो से अधिक अंग अपनी भौतिक एवं रासायनिक पारस्परिक क्रिया के एक निश्चित कार्य को संपन्न कर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र इत्यादि, समस्त शरीर की जैविक क्रियाएं कोशिका, उत्तक, अंग तथा अंग तंत्र में श्रम विभाजन के द्वारा संपन्न होता है और पूरे शरीर को जीवित रखने के लिए योगदान देती है। कोशिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार बदलती रहती है। इस प्रकार उत्तक भिन्न भिन्न होते हैं और उन्हें मोटे तौर पर निम्नलिखित से चार प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक और तंत्रिका उत्तक। उपकला उत्तक, हम उपकला उत्तक में भी सामान्यतः उपकला ही देखते हैं। इस उत्तक में एक मुक्त स्तर होता है जो एक ओर देह तरल और दूसरी ओर बाह्य वातावरण के संपर्क में रहता है, और इस प्रकार देह का आवरण अथवा आस्तर का निर्माण करता है।
कोशिकाएं अंतरकोशिकीय आधात्रि द्वारा दृढ़ता पूर्वक जुड़ी रहती है। उपकला उत्तक के दो प्रकार है, सरल उपकला और संयुक्त उपकला। सरल उपकला एक ही स्तर का बना होता है तथा यह देहगाओं, वाहिनियों और नलिका का आस्तर है। संयुक्त उपकला कोशिकाओं की दो या दो से अधिक स्तरों की बनी होती है और इसका कार्य रक्षात्मक है, जैसे कि हमारी त्वचा। कोशिका के संरचनात्मक रूपांतरण के आधार पर सरल उपकला तीन प्रकार के हैं। पहला है शल्की यानी स्क्वैमस उपकला, घनाकार उपकला यानी क्यूबॉइडल, और स्तंभाकार उपकला यानी कॉलमनर। शल्की उपकला, यह एक चपटी कोशिकाओं के पतले स्तर से बनता है जिसके किनारे अनियमित होते हैं। यह उत्तक रक्त वाहिकाओं की भित्ति में तथा फेफड़े के वायु कोश में पाए जाते हैं। यह विसरण सीमा का कार्य करते हैं। घनाकार उपकला, यह उत्तक एक स्तरीय घन जैसे कोशिकाओं से बना होता है। यह सामान्यतः वृक्कों से नलिकाकार भागों तथा ग्रंथियों की वाहिनियों में पाया जाता है। इनका मुख्य कार्य स्रवरण और अवशोषण है। वृक्क में वृक्कों की समीपस्थ वलयत सूक्ष्म नलिका की उपकला सूक्ष्मांकुर होते हैं। स्तंभकार उपकला, स्तंभकार उपकला लंबी एवं पतली कोशिकाओं के एक स्तर का बना होता है। केंद्रकाय कोशिकाओं की आधारी भाग में होते हैं। मुक्त सतह पर प्राय सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। सूक्ष्मांकुर आमाशय आंत्र तथा आंतरिक आस्तर में पाए जाते हैं और यह स्रवरण और अवशोषण में सहायक देते हैं। यदि इन स्तंभकार या घनाकार कोशिकाओं की मुक्त सतह पर पश्चिमाभ होते हैं तो इसे पश्चिमाभी उपकला कहते हैं। इनका कार्य कणों अथवा श्लेष्मा को उपकला की सतह पर एक निश्चित दिशा में ले जाना है। ये मुख्यतः श्वसनिका तथा डिम्बावाहिनी नलिकाओं जैसे खोखले अंगों की भीतरी सतह में पाए जाते हैं। कुछ स्तंभाकार या घनाकार कोशिकाओं में स्रवण की विशेषता होती है और ऐसी उपकला को उपकला ग्रंथिल कहते हैं। इसे दो समूह में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है एक कोशिक और दूसरा बहुकोशिक। एक कोशिक जो पृथक ग्रंथिल कोशिकाओं का बना होता है, जैसे आहार नाल की कलश कोशिका ग्रंथिल उपकला है। बहुकोशिक जो कोशिकियों के पुंज जैसे लार ग्रंथि का बना होता है। स्रावी कोशिका में स्राव का निष्कासन के आधार पर ग्रंथियों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, बाह्य स्रावी यानी एक्सोक्राइन ग्रंथि और अंतःस्रावी यानी एंडोक्राइन ग्रंथि। बाह्य स्रावी ग्रंथि से श्लेष्मा, लाल कण, मोम तेल, दुग्ध, अमाशय एंजाइम तथा अन्य कोशिका उत्पाद स्रावित होती है। ये सब वाहिनियों अथवा नलिकाओं के माध्यम से संयुक्त उपकला निर्मुक्त होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि, इसके विपरीत अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिकाएं नहीं होती। इसके उत्पाद हार्मोन है जो सीधा उस तरल में छोड़े जाते हैं जिसमें ग्रंथि स्थित होती है। संयुक्त उपकला एक से ज्यादा कोशिका स्तरों की बनी होती है और इस प्रकार स्रवण और अवशोषण में इसकी भूमिका सीमित है। इसका मुख्य कार्य रासायनिक व यांत्रिक प्रतिबलों की रक्षा करना है। यह त्वचा के शुष्क सतह, मुख गुहा की नम सतह पर ग्रसनी लार ग्रंथियों और अग्नाशय की वाहिनियों के भीतरी आस्तर को ढकता है। उपकला की सभी कोशिकाएं एक दूसरे से अंतर कोशिकीय पदार्थों से जुड़ी रहती है। लगभग सभी प्राणी उत्तकों में कोशिकाओं के विशेष जोड़ व्यक्तिगत कोशिकाओं को संरचनात्मक एवं कार्यात्मक संधि प्रदान करते हैं। उपकला और अन्य उत्तकों में तीन प्रकार की संधि पाई जाती है।
ये है दृढ़ संधि, आंसजी संधि और अंतराली संधि। दृढ़ संधि, दृढ़ संधि पदार्थों को उत्तक से बाहर निकलने से रोकती है। आंसजी संधि, आंसजी संधि पड़ोसी कोशिकाओं की कोशिका द्रव्य को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है। अंतराली संधि, अंतराली संधियों आयनों तथा छोटे अणुओं एवं कभी कभी बड़े अणुओं के तुरंत स्थानांतरण करने में सहायता करती है। ऐसी संलग्न कोशिकाओं के कोशिका द्रव को आपस में जोड़कर रखती है। इस वीडियो में हमने सीखा प्राणी उत्तक, जिसमें हमने पढ़ा उपकला उत्तक के बारे में। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे प्राणी उत्तक में ही संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक और तंत्रिका उत्तक के बारे में। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि डिजिसाथ के आज के एपिसोड में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आइए देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। तो आज हमने नवी कक्षा में पढ़ा हिंदी का अध्याय उपभोक्तावाद की संस्कृति, साथ ही 11वीं कक्षा में हमने पढ़ा बायोलॉजी का चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अब हम देखते हैं कि हम कल क्या पढ़ेंगे। तो हम कल नवी कक्षा में पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का चैप्टर अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, साथ ही 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का चैप्टर रांगास मैरिज। एक जरूरी सूचना इस एपिसोड की, जो अभी आपने देखी, इसका पुनः प्रसारण YouTube पर किया जाएगा इकोवेशन के चैनल पर ठीक 3 बजे। तो यदि आप इस एपिसोड को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं या इसे पुनः देखना चाहते हैं, तो YouTube पर DigiSath Equation सर्च करके आप इस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। धन्यवाद।